शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन लगातार जारी है, लेकिन वन विभाग इस अवैध उत्खनन पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वन क्षेत्र में मौजूद पहाड़ से खनन माफिया लगातार खंडा पत्थर फर्सी पट्टियां निकाल रहे हैं। इसके लिए खनन माफियाओं ने मशीनरी ली जाने के लिए 500 फीट ऊंचे पहाड़ पर एक रास्ता भी बनाया है, लेकिन क्षेत्रीय वन अमला इन खननकर्ताओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। नरवर के भीमपुर गांव के नजदीक पहाड़ पर खनन माफिया लगातार पत्थर फरसे निकालकर परिवहन कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार आंखों पर पट्टी बांधकर तमाशबीन बने हुए हैं। वहीं इस अवैध उत्खनन पर पोहरी नरवर क्षेत्र के विधायक ने बताया कि अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे क्षेत्र में अवैध पत्थर का काम और रेत का काम काफी समय से चल रहा है। पूर्व के नेता ने चला है, लेकिन मुझे आपके माध्यम से भी मालूम चला है। मैं यही कहूँगा कि मैं प्रशासन को पहले अवगत करा चुका हूँ सभी विभागों में, और ये बंद नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं विधानसभा में उठाऊंगा, और नहीं तो फिर धरने पे बैठूंगा। पहले भी ये मेरे संज्ञान में था और पहले भी हमने उसमें कार्रवाई की है। अभी शायद अभी बारिश के बाद में पानी वानी अभी ये खुल गया है, तो फिर से कोशिश कर रहे होंगे गाँव वाले निस्तार के लिए। अभी दिखवाते हैं, अभी हम आपने अभी हमारी टीम जो है निचला अमला हमारा लगातार गश्त करते रहता है, तो गश्त में जो भी दिखता है तो उसमें हम कार्रवाई करते हैं। वही इस पे अधिक जानकारी के लिए शिवपुरी से हमारे संवाददाता कमर खान जुड़ चुके हैं। कमर बताइए, पूरा मामला क्या है? नीतीश जी, ये पूरा मामला जो है सतरवाड़ा वन परिक्षेत्र की नरवर सब रेंज से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ भीमपुर बीच में काफी दिनों से जो पिछले सब लगभग एक साल से जो है वन क्षेत्र में अवैध पत्थर का काम चल रहा है, उत्खनन हो रहा है, जिसमें खंडे फर्सी पत्थर माफियाओं के द्वारा जो है खनन माफिया जो है जो वन क्षेत्र में सक्रिय है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वन माफियाओं के द्वारा लगभग 500 फीट ऊपर ऊंचे पहाड़ पे जाने के लिए रास्ता भी बना दिया गया है। इस पे प्रशासन ने क्या कोई पहल किया है? प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी है, डिप्टी रेंजर है कमल किशोर शर्मा, उनको कई बार अवगत कराया गया है। ग्रामीणों के द्वारा भी जो है जानकारी दी गई है, मेरे द्वारा भी जानकारी दी गई थी, लेकिन उनका रवैया इस पे जो है हमेशा लीपापोती वाला रहा है। अब जो वरिष्ठ अधिकारियों से जो मेरी चर्चा हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या लगता है कमर खान, इसमें कोई राजनीतिक तार भी जुड़े होने के आसार हो सकते हैं क्या? क्योंकि पिछले एक साल से ये उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया है। ये जो क्षेत्रीय विधायक है कैलाश कुशवाहा जी, उनसे जब जो है कैलाश कुशवाहा से इस बारे में बात की गई तो उनके भी ये मामला जो है शिकायती तौर पर जो है ना संज्ञान में था, और उनके द्वारा इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, लेकिन प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासन है उनका तो पूरा ही संरक्षण कहीं ना कहीं इनको जो है माफियाओं को मिला हुआ है, जो बेखौफ रात दिन जो है अवैध उत्खनन कर रहे हैं और खुले हम परिवहन भी किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमर खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।